नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज भी हम अपनी वार्म अप एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9, इसके अंदर हम अपने हाथ को मुट्ठी बना के रखेंगे, अपने वेस्ट लेवल पे रखेंगे और हमारे पैर समापाद में रहने चाहिए, एकदम क्लोज। इसमें हम डबल लेग जंप करेंगे, हमारी जो हील है वो बम को किक होनी चाहिए। चलिए एक गुण शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब हम दो गुण शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चौगुन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक्सरसाइज नंबर 10। इसके अंदर हम अपने हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, उसके बाद हम अपने पैर समापाद में ना रखकर हम ऐसे रखेंगे अपने पैर। उसके बाद जैसे हमने बैठा भी किया था वैसे हम जंप करेंगे, फिर 2, 3, 4 में बैठेंगे, पर हमारे जो एल्बो है ये ऐसे टेक नहीं लेनी चाहिए, ये उठा रहेगा। आप जब थक जाते तो आप इसको नीचे कर लेते, नहीं उठा रहेगा। ऐसे रखेंगे हम अपने पैर, उसके बाद हम जंप करके ऐसे हमारे ये स्टांस होना चाहिए, हमारे इस पे सारा वेट होना चाहिए, हम जितना झुक सकते उतना झुकेंगे और ये पूरा स्ट्रेच होना चाहिए और ये हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो हम इसको फिर जंप करके ऐसे लाएंगे, पुश करेंगे, जैसे ही हम अपनी ये पुश करेंगे हमारी गर्दन पीछे जाएगी, उसके बाद गर्दन पीछे जाके फिर हम सेकेंड बीट में यहाँ पर फिर से जंप करके ऐसे आ जाएंगे, फिर हम 2, 3, 4 में बैठेंगे, ऐसे हम लेफ्ट में जंप करेंगे, हमारे जैसे ये हम आगे लेके जा रहे हैं वैसे ही हमारा पीछे गर्दन जा रही है, पर हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे ये ऊपर चले जाए, हमारी ये सेम डिस्टेंस पे रहनी चाहिए, सेम लेवल पे रहनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं, आप अपने ऐसे रखोगे, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, उसके बाद हम फिर से जंप करेंगे, फिर से हम जंप करके बैठेंगे 2, 3, 4 में, फिर हम सेम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। अब हम एक गुण करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. डबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चौगुन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next exercise 1, 1, 11. इसके अंदर हम अपने हाथ हम राइट की इंडेक्स फिंगर खोल के रखेंगे और हमारा जो बाकी लेफ्ट हैंड है वो इसको लॉक करके रखेगा। हम इसको अपने सर से ऊपर रखेंगे और एकदम इसके हमारे हाथों के पास में होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। हम अपने पैरों को इसमें भी ऐसे रखेंगे, हम एक बार जंप करेंगे 2, 3, 4, उसके बाद हम अपनी साइड ट्विस्टिंग करेंगे, हम राइट साइड घूमेंगे, हमारे जो पैर है आगे राइट आगे आ जाएगा और लेफ्ट पीछे जाएगा, हम बेंड होंगे और हम इस तरफ पूरा देखेंगे, हमारा मुंह आधा का आधा पूरा यहाँ पर दिखना चाहिए
और हमारे हाथ बिल्कुल भी पास या दूर ज्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ऐसे हम रखेंगे दूर साइड देखे, और हमारे इन दोनों के बीच में जो गैप है इस तरह से ये पूरा रहना चाहिए, बहुत पास ऐसे नहीं रहना चाहिए, पूरा गैप दिखना चाहिए। और हमारी बॉडी में कर्व आना चाहिए, एस बनना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, हमारा जो राइट है वो ऐसे आके आएगा, फिर हम नीचे बैठेंगे, हम लेफ्ट घूमेंगे जिसमें लेफ्ट आगे आएगा, राइट पीछे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे, और हमारे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद और हम जब बैंड होंगे अपने आप ये कर्व दिखना चाहिए। उसके बाद ऐसे देखा, उसके बाद हमारे दोनों पैर ऐसे चलने चाहिए, फिर हम बैठेंगे। एक बार शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो गुण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चौगुन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने 3 नई वार्म अप एक्सरसाइज सीखी, जिसके अंदर पहली में हमने डबल लेग जंप किया, दूसरी में हमने अपनी बॉडी स्ट्रेच करी, और तीसरी में हमने साइड ट्विस्टिंग करी। और हमारी वार्म अप एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है, और हम अगली वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बाय।